हेलो दोस्तों, नमस्कार। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए बने गुट को बड़ी सफलता मिली है। इस गुट में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया समेत 14 देश शामिल हैं। इन 14 देशों ने शनिवार को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप के तहत सप्लाई चेन एग्रीमेंट में महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने की घोषणा की है। यह एग्रीमेंट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि IPEF के देश कच्चे माल की कमी जैसी स्थितियों से निपटने में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिससे कोविड और अनावश्यक व्यापार प्रतिबंधों जैसी स्थिति में कम से कम नुकसान हो। इसके अलावा IPEF में शामिल देश इनके बीच बने आपातकालीन संचार नेटवर्क के माध्यम से सेमीकंडक्टर सप्लाई या शिपिंग लाइनों में दिक्कतों से निपटने के लिए साथ आ सकते हैं। इन देशों के बीच एक क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा सप्लाई और स्किल्स मैन पावर का पता लगाने के लिए मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। साथ ही देशों की निवेश जुटाने में भी मदद की जाएगी। सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण चीज लेबर राइट्स होंगे, जो आने वाले वर्षों में कुछ तनाव बढ़ा सकते हैं। इस प्रस्तावित डील के बारे में जानकारी अभी पब्लिक नहीं की गई है। टोक्यो में इस पहल की शुरुआत के ठीक एक साल बाद पहली डील पूरी हुई थी। 2022 के दूसरी छमाही में बातचीत शुरू हुई थी। यह ग्रुप 4 पीपल्स पर डील के बारे में चर्चा कर रहा है।